हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको मटर माला बनाना सिखाएंगे। जैसे गोल राउंड होते हैं वो आपको बताने वाले हैं, हर साइज के, छोटा बड़ा साइज, सब साइज का आपको बताने वाले हैं। और ये आज हमारा सिखाने का पहला दिन है। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी सिखाने के लिए पर्पज से। आपको पूरा एम्ब्रॉयडर बना देंगे हम धीरे धीरे। आप हमारी पूरी सीरीज देखना, इसके अंदर बहुत सारे एपिसोड बनने वाले हैं बिगनरों के लिए स्पेशली। यही है तो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको सबसे पहले आपको गोले बनाना सिखाता हूँ। तो उसके लिए हमने एक कपड़ा ले रखा है इस तरीके से, और ये फ्रेम है, इसकी भी हमने वीडियो बना ली की है, आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। और इस कपड़े को लगाने का भी तरीका बता चुका हूँ मैं कितनी वीडियो में आपको बोल लिया, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले आपको मटर माला बनाने के सिखाएंगे, जो बेसिक लेवल की होती है, जिससे आप स्टार्टिंग में काम करने में आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम राउंड बनाते हैं बड़ा वाला, जिस तरीके से राउंड बनते हैं गोले वो बताने वाले हैं आपको। और ये गोले जितने बड़े बनाओगे इसके टाके के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये देखिए आप, जितना टाका रहेगा उतना गोला बन पाएगा। अब ये चौकोर टाइप लग रहा है तो आपको इसके राउंड बनाना पड़ेगा। तो जब ये सिंगल फेयर होगे आप तो ये गोल दिखेगा। इस तरीके से आप बड़े बड़े बना सकते हैं, जितना आपका ये टाका होता है उस तरीके से आप बना सकते हैं। टाके की वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही तो मैंने पिछली वीडियो में टाका बता दिया है, कैसे टाका चौड़ा होता है, पतला होता है, ये सारी चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बता रही है आपको। तो ये फुल साइज़ का है टाका, या आप तो गोले राउंड बन सकते हैं, आपको इस डिज़ाइन में काम में आने वाले हैं, जो आपका गोल डिज़ाइन होगा उसके अंदर टाका काम में आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप ये बड़े वाले बना सकते हैं आप। तो आपको ये बना के दिखाता हूँ पूरी लाइन पहले। इस तरह से आप ये बड़े वाले बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे इससे थोड़ा छोटा साइज, जो आपको राउंड के अंदर मिलेगा। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये इससे छोटा साइज है। और ये ऑटोमेटिक गोलाई लेना पड़ेगी आपको, सिंगल फेरना नहीं पड़ेगा। आप सिंगल फेरना चाहते हो और गोल आ जाएंगे, जितनी गोलाई लोगे उतना अच्छा होगा। ये इसे मटर माला कहते हैं। ये देखिए इस साइज का बनेगा। अब इससे भी छोटा आपको मैं बना के दिखाता हूँ किस तरीके से आप बना सकते हैं इससे छोटा। इससे छोटा साइज ये है, आप टाके के ऊपर है, जितना छोटा बनाना चाहो उतना छोटा बना सकते हो। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल का काम है, जिसे मटर माला कहते हैं, जिससे बिगनर सीखते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको बना के सीख सकते हैं। आप इसकी 8-10 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इस तरीके से बनाना आ जाएगा। आपसे शुरू शुरू में बनेगा नहीं, अगर आप इसकी 8-10 दिन प्रैक्टिस करोगे तो उसी तरीके से आपको बनाने में आसानी रहेगी। इस तरीके से आप ये छोटे छोटे ही बना सकते हैं। ये देखिए ये छोटा साइज बना सकते हैं आप इस तरीके से। अब इससे भी छोटा साइज बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मटर माला कहते हैं इसे, और आप जितना छोटा और जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो इस डिज़ाइन को। इस तरीके से पूरे मटर माला बनते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इनको आप बना पाओगे। मैंने आपको चारों पांचों तरीके बता दिए, पांच तरीके से आपको बनाना सिखाया। पहले बड़ा, जितना आपका टाका हो उस तरीके से आप बड़ा बना सकते हैं, उससे छोटा बना सकते हैं, फिर ये साइज़ का बना सकते हैं, फिर छोटे छोटे साइज़ के बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पहला दिन कंप्लीट हो गया है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे आप जितने अच्छी तरह से आप बना पाओगे। तो आई होप आपको आप मटर माला समझ में आई होगी, किस तरीके से आप मटर माला बना सकते हैं और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप दिन ब दिन बढ़िया बनाते जाओगे। इसके अंदर 8-10 दिन की प्रैक्टिस लगेगी आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।